नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि 9 दिसंबर को इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में, जिसमें से दोनों ही साइडों के जो सोल्जर्स हैं वो इंजर्ड हुए हैं। पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है चाइनीज़ आर्मी के साथ, यानी कि चाइना के साथ, फिर चाहे वो तवांग ज़िला हो या गलवान वैली, दोनों ही इंसिडेंट में हम लोगों ने कभी वेपन्स का यूज़ नहीं किया, हथियारों का यूज़ नहीं किया। हमेशा डंडे से, लाठी से, या कोई भी ऐसा ही मतलब कोई रॉड से या फिर पत्थरों से, इन सब से आप लोगों ने ये इंसिडेंट होते हुए देखे, लेकिन इसमें कभी भी गन का यूज़ नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सेना कभी LAC पर बंदूक क्यों नहीं उठाती है, और साथ ही साथ हम इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी 9 दिसंबर को हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 6 जो कि 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, जिसके तहत LAC पर सेनाएं बंदूक नहीं उठा सकती हैं, तो उसको भी हम अभी एक डीपली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये तवांग ज़िला है ये आता कहाँ पर है, कहाँ पर लगता है ये तवांग ज़िला। अगर आप लोग इस मैप में देखें तो ये वाला आप एरिया देख सकते हैं, ये है तवांग ज़िला, ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश और ये है तवांग ज़िला, जो कि एक साइड भूटान भूटान से लगा हुआ है तो दूसरी साइड चाइना से। और जो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, यही लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम लोग शॉर्ट में LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरी जो है लाइन जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, ये पूरी की पूरी LAC कहते हैं इसे। ऊपर से अगर हम देखें जैसे ये वाला जो इंडिया मैप है, आप लोग इसमें देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला यहाँ से ये वाली जो पूरी लाइन है, क्योंकि ये जो है ये रीजन पूरा अक्साई चीन का है, पूरा है तो ये वाला भी इंडिया पूरा, पर ये जो रीजन है वो भी चाइना के कंट्रोल में है, तो इसका नाम अक्साई चीन है। तो ये जो LAC है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है ये वाली यहाँ से, ठीक है। ये अगर अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है उसको हम जूम करें तो ये वाली जो है ये, और जो ये है ये तवांग ज़िला है, यहाँ पे ये वाला ये तवांग ज़िला है, ठीक है। यहाँ पे ये इनके जो ट्रूप्स के जो बेस कैंप है वो बने हुए हैं, जैसे ये टोटल ये जो आप नोट्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेस कैंप हैं इंडियन आर्मी के। तो एक जो बेस कैंप वो तवांग में भी है, तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। बेसिकली हुआ क्या था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक LAC लाइन है, ठीक है, तो यहाँ तक जैसे ये चाइना मान लो और ये मान लो इंडिया, ठीक है। अब जो चाइनीज़ आर्मी है वो यहाँ तक पेट्रोलिंग करेंगी, पेट्रोलिंग यानी कि गश्त देती है कि हाँ एरिया में सब कुछ ठीक है या नहीं है, और ये जो इंडियन आर्मी वो यहाँ तक अपना पेट्रोलिंग करेगी, पर चाइनीज़ आर्मी जो है वो इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे आ गई इंडिया इंडिया की टेरिटरी में। अभी बताएंगे आगे कि क्यों आई इंडिया की टेरिटरी में, पूरा बताएंगे। तो चाइनीज़ आर्मी जो है PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की, वो आती है इंडिया की टेरिटरी में। अब जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये आ गए हैं, तो वो इन्हें खदेड़ देते हैं, जो कि पत्थरों से या फिर जो मतलब हाथापाई करके इन्हें भगा देते हैं अपनी अपनी लाइन से। तो जिसमें से इंडिया के भी कुछ सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड होते हैं और चाइना के भी होते हैं, हालांकि वो तो चाइना की पुरानी रीत चली आई है कि वो अपना जो नंबर है वो छुपा लेते हैं, पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है। तो इंडिया अपने जो नंबर है वो पूरे फुल रिवील कर देता है कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। तो इस बार जो नंबर है वो 20 है, 20 लोग जो है माइनर इंजर्ड हुए हैं, कोई ऐसी सीरियस इंजरी नहीं आई है और डेथ भी मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई है किसी की भी। तो इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे खदेड़ दिया, तो यानी कि जो इनका जो मंसूबा जो है वो काम नहीं हो पाया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर एक्चुअली क्या हुआ था, वो पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे एरिया में आ रहे थे तो हमारे जो जवान थे उन्होंने उन्हें वापस खदेड़ दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये चाइना आखिर हर बार ये करता कैसे है, मतलब क्यों करता है ये। तो आप लोगों को पता होगा कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। तिब्बत जैसे नहीं पता वो मैं बता दूँ, ये पूरा एरिया जो है वो तिब्बत का एरिया है, ठीक है। तो तिब्बत जो है वो चाइना ही कंट्रोल में है, और चाइना मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी तिब्बत का ही एक पार्ट है। तो चाइना कहता है कि जब तिब्बत हमारा पार्ट है तो अरुणाचल प्रदेश भी इसी हिसाब से हमारा पार्ट हुआ।
जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो ये अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। पर फिर भी जो चाइना हो या फिर ताइवान हो, ये दोनों ही क्लेम करते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि ये दोनों ही उनके पार्ट हैं। हालांकि जो ताइवान है वो कहता है कि पूरा का पूरा चाइना भी उन्हीं का है। अगर आप लोग मैप में देखें तो ये इतना बड़ा चाइना है और ये बिल्कुल छोटा ताइवान, ठीक है। तो ताइवान क्लेम करता है कि हम तो हैं ही, हमारे साथ ये पूरा चाइना भी हमारा ही है और साथ में ये अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं का है। खैर, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो चाइना है, ये चाइना आखिर अचानक से जैसे क्या हो जाता है कि ये हमारे जो टेरिटरी में घुस जाता है, फिर चाहे वो गलवान में हो या फिर ये तवांग में हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रीजन को कब्जाना नहीं था अभी के लिए। हालांकि 9 दिसंबर का कॉन्फ्लिक्ट बताऊं तो वो तो नहीं था, उसके रीज़न है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था उनके जो सिटीजन हैं उनका डिस्ट्रैक्ट करना, मेन प्रॉब्लम जो है उनके कंट्री में उसे डिस्ट्रैक्ट करना कि किसी दूसरी प्रॉब्लम में इन लोगों को उलझा दिया जाए तो ये लोग हमारी जो प्रॉब्लम है उसे भूल जाएंगे। अब उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को बताओ कि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी आ रखी है। जीरो कोविड पॉलिसी, जैसे नहीं पता मैं बता दूं कि चाइना एक इंसेंटिव पे काम कर रहा है कि कोविड के जो केसेस हैं बिल्कुल जीरो ला देंगे, पूरे कंट्री में एक भी कोरोना का केस नहीं रहेगा, जिसके चलते एक हैवी लॉकडाउन लग रखा है अभी चाइना में। और हैवी लॉकडाउन के चक्कर में ये जो है ये कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। सब्जी वब्जी जो कुछ मतलब मार्केट आज सब बंद है इनके यहाँ पे, और घर सभी घर के बाहर ताले लटक रहे हैं। और अभी आप लोगों को एक केस पता होगा कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, चाइना में एक बिल्डिंग थी जिसमें एक आग लग जिसमें वो पता नहीं कौन सा फ्लोर था, वहाँ पे एक आग लग गई थी जिसमें 20 से 25 लोग जो है वो मारे गए थे, यानी कि 20 से 25 डेथ हुई थी, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। फिर चाइना की गवर्नमेंट ने क्या नंबर बताया, चाइना ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक डेथ हुई है ओवरऑल। और वो उन लोगों की डेथ कैसे हुई, क्योंकि बाहर लगी थी ताले लगे थे बाहर और घर में लग गई थी आग, अब वो बाहर निकले कैसे, तो कुछ लोग जो है वो बालकनी से कूदे वो तो मर ही गए और कुछ लोग जो है वो जल के मर गए। तो ऐसे 20 से 25 लोगों का नंबर आया था जो कि डेथ हुई थी उस इंसिडेंट में, जिसके बाद से चाइना में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ कि जो सरकार है इन्हें हटा दिया जाए। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो एक ब्लैंक पोस्टर पकड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब पोस्टर पे कुछ भी नहीं लिख रखा, अगर लिख देंगे तो पुलिस वाले जो हैं वो पकड़ लेंगे कि तुम हमारे जो जिनपिंग साहब हैं उनके खिलाफ भी कुछ बोल रहे हो। तो उनका प्रोटेस्ट करने का एक अलग ही तरीका है, क्योंकि यार एक कम्युनिज्म है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी बोलने की इंडिया की तरह वहाँ पे आज़ादी नहीं है। तो इनका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसी को ये दबाने के लिए ये कुछ नए जो इश्यूज हैं वो क्रिएट कर रही हैं इस टाइम पे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये इंडिया चाइना को जो कॉन्फ्लिक्ट था 9 दिसंबर वाला वो क्या है, तवांग रीजन में जो हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो थंबनेल में लेकर रखा है कि सेना जो है बंदूक क्यों नहीं उठा पाती है। तो उससे पहले, ये जानने से पहले एक बार आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का बयान सुन लीजिए कि इन्होंने इस इंसिडेंट के ऊपर क्या कहा है। बहुत छोटी सी वीडियो है, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। प्लीज प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। तो फिर अब आप लोगों ने इनके वर्सेस सुन लिया कि आखिर एक्चुअली में क्या हुआ था, कि हमारे जो एक भी सोल्जर है वो इंजर्ड नहीं हुआ है और बहुत माइनर सी इंजरीज आई हैं। हालांकि उनके जो
ट्रूप्स थे उनके मंसूबों नाकाम हो गए हैं। तो एक तरह से इंडिया की जीत हुई है इस टोटल इंसिडेंट में। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आप लोग की एक हिस्टोरिकल पिक्चर है जो कि गलवान इंसिडेंट से आई है। और गलवान इंसिडेंट में आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो है 20 सोल्जर्स जो डेथ हो गई थी उनकी, 20 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी गलवान इंसिडेंट में। गलवान इंसिडेंट में यूज़ होने वाला जो वेपन था वो था ये, क्योंकि मैंने थंबनेल में ले रखा है कि एनएसी में वेपन्स का यूज़ नहीं होगा, बुलेट्स का यूज़ नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो चाइना की जो आर्मी थी, चाइनीज़ आर्मी, वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ आई थी, जिसमें उन लोगों ने इस वेपन को यूज़ किया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है पूरी रॉड है, और ये जो आप इसमें कीलें लग रखी हैं चारों तरफ, आप लोग देख लीजिए अगर। और इसी से उन लोगों ने अटैक किया था, और हम लोग जो थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था क्या फिर क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमारे जो 20 सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे, पर हमसे ज़्यादा उनमें कैजुअलिटीज आई थी। हम लोगों ने उन्हें ज़्यादा अच्छे से पछाड़ दिया था, हालांकि वो जो नंबर था वो उन्होंने दबा दिया था। और जिसकी जो इमेज है, इमेज आप लोग देख लीजिए, इमेज ये, अगर वो कहते हैं कि हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, तो फिर ये जो नंबर है ये कहाँ से आए, ये जो डेड बॉडीज रखी हैं ये कहाँ की हैं, ये जो है ये अब रिवील हो रहा है। तो आप लोग, प्रूफ आप लोगों के सामने है, तो आप लोग खुद डिसाइड करिए कि ये जो है ये क्या है। हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। हाँ कि हाँ, जो आर्टिकल 6 ऑफ द 1996 एग्रीमेंट, यही वो जो आर्टिकल है इस एग्रीमेंट का, जिसके चलते दोनों आर्मी में से कोई सी भी आर्मी वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकती है, यानी कि कोई भी हथियार का यूज़ नहीं कर सकती है एलएसी में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यूज़ नहीं कर सकती है। तो एक बार आर्टिकल 6 देख लेते हैं कि आर्टिकल 6 क्या है। तो ये जो है ये आर्टिकल 6 है, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी पार्टी ओपन फायर नहीं करेगी एलएसी पे, और कोई भी बायोडिग्रेडेशन नहीं करेगी, यानी कि कोई भी जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी एलएसी पे, ठीक है। और कोई भी हैजार्डियस केमिकल, यानी कोई खतरनाक सा केमिकल का भी यूज़ नहीं होगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, और कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा बॉम्ब ब्लास्ट का, ठीक है। और गन्स या फिर कोई एक्सप्लोजिव का भी कोई भी यूज़ नहीं होगा एलएसी के 2 किलोमीटर के अंडर, यानी कि जैसे ये एलएसी लाइन है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर इधर और यहाँ से 2 किलोमीटर इधर, चाइना के 2 किलोमीटर तरफ, इंडिया के 2 किलोमीटर तरफ। इन चीज़ों का बिल्कुल प्रोहिबिटेशन है कि इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि अगर यूज़ होगा भी तो कैसे यूज़ होगा। अगर आप, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें वेपन्स का यूज़ करना पड़ता है, तो उससे पहले 5 दिन पहले एक प्रायर नोटिस इशू किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, और प्रॉपर एक मीटिंग होगी, पर्सनल मीटिंग होगी फेस टू फेस, जिसमें बताया जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो अब उम्मीद है आप लोगों को जो ये आर्टिकल 6 है वो समझ में आया होगा ज़्यादा। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इस पूरे 2 पॉइंट को आप और पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिख रखा है, बस इतना ही लिख रखा है कि कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं होगी इस रीजन में। तो ये जो आप लोगों ने वेपन इन लोगों का देख लिया, चाइनीज वेपन, कि ये रॉड में लोगों ने किस तरह से ये वेल्डिंग करा रखी है कीलों की, जिससे कि लोगों ने गलवान इंसिडेंट में हमला किया था, उसके बाद भी इनके बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और बहुत मारे गए थे। इन्होंने नंबर छुपा लिया, वो तो इनकी पुरानी आदत है, इनकी नंबर छुपाने की। ये इंटरनेशनली और नेशनली अपने खुद के सिटीजन के साथ ऐसा करते हैं, तो हम तो अपने लिए उम्मीद ही छोड़ दें। तो ये देख लीजिए, ये आए थे हमारे इंडियन आर्मी से बढ़ने के लिए। तो अभी तुम्हारी आँखें भी ना खुली हैं, छोटी छोटी आँखें हैं, बंदे आँखें, दूध पियो जाके अपने घर पे जाके, चलो लड़ने आए फालतू में। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस पर ही लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।